बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई में 27 मई को उनका निधन हुआ, जिसके बाद से फिल्मी जगत गमगीन हो गया। इस गम में अभी अजय का परिवार और फैंस बाहर भी नहीं निकल पाए थे, तो वहीं वीरू देवगन के इस दुनिया को अलविदा कहने के एक दिन बाद ही अजय देवगन की पत्नी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजोल को मुंबई के लीलावत अस्पताल में देखा गया है। जी हां, यहां पर आपको लीलावती अस्पताल की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कहा यह जा रहा है कि काजोल की मां और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुजा की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हो गई है। काजोल अपनी माँ से मिलने वहां पर पहुंची, हालांकि उनकी माँ की सेहत के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ पर देर रात काजोल को लीलावती अस्पताल के बाहर देखा गया। कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर लगातार फैंस जो है इस तस्वीर के नीचे कॉमेंट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर तनुजा की तबीयत ज्यादा तो नहीं बिगड़ी। हालांकि अब तक कोई भी ऐसी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है कि कैसी है अभी उनकी तबीयत, आखिरकार क्या हो गया जो देर रात उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नेक्स्ट साइन न्यूज़ रूम से नैंसी की रिपोर्ट।